हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी देखिए, ये ब्लॉग जो है संडे का ही है, मतलब आज का ही, और अभी सुबह के बज रहे थे 8। आज बहुत लेट सो करके उठी क्योंकि तबीयत भी नहीं थोड़ी सी ठीक थी, और दूसरी बात ये संडे था, छुट्टी थी, तो एक रीज़न ये भी था थोड़ा सा लेट उठने का आराम से। तो खैर, बस उठते ही सबसे पहले मैंने लगाया पूरे घर में झाड़ू फटाफट से, और इसके बाद से लगा दी थी तुरंत के तुरंत ही मशीन की, जब तक कि और सारे काम निपटाऊंगी तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। सैटरडे को सोची थी धोने के लिए, लेकिन छत पे बिल्कुल जगह ही नहीं थी, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो संडे को ही धो लेती हूँ। तो इसीलिए सुबह उठने के साथ मैंने लगा दी थी मशीन, और इसके बाद से तब मैं गई थी किचन में बाकी के जो काम है, नाश्ता वगैरह ये सब करने के लिए। तो आज बना रही हूँ मूँग दाल का चीला, तो रात में ही मैंने भिगो दी थी। पीली वाली मूँग की ही बना रही हूँ, हरे वाली मूँग की भी बनती है, लेकिन मेरा मन था पीले वाले मूँग का बनाने का, तो इस वजह से मैंने इसको रात में सोख करके रख दिया था धो करके। अभी बस इसको मिक्सर ग्राइंडर में मैंने डाल दिया है, और साथ के साथ डाली है इसमें हरी मिर्च, अदरक, और साथ में जीरा भी डालना था, लेकिन मैं इस टाइम पे भूल गई थी, बाद में मैंने डाला था, थोड़ा सा पिस गया था तब मैंने डाला था। तो खैर, बहुत से लोग ना जीरा ऐसे खड़ा भी डालते हैं वैसे इसमें, तो ये अपनी चॉइस के ऊपर है, आप खड़ा डालना चाहो तो खड़ा डालो, अदरवाइज ऐसे इसमें ग्राइंड कर लो। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैंने पीस लिया है, और अब मैंने इसमें डाला है जीरा, थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ा था क्योंकि पिस नहीं रहा था अच्छे से। और दूसरी बात यह ना कि ये मिक्सर ग्राइंडर नया लिया है मैंने, तो इसको भी टेस्ट करना था कि अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले वाला जो था ना, दाल वगैरह भी अच्छे से नहीं पिसती थी उसमें, मतलब खड़े खड़े रह जाते थे कुछ उसमें चंक्स जैसे। तो खैर, इसमें बहुत अच्छे से पिस गया है, लेकिन ना थोड़ा सा धुआं सा निकलने लग गया था मिक्सर में से, तो देखते हैं क्या करना है अभी। तो बस अभी देखिए ये पिस गया है, इसमें मैंने डाला है नमक और साथ में थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आप चाहो तो मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने 3 हरी मिर्च इसमें कट करके डाली थी, इसलिए मिर्ची पाउडर मैंने अलग से नहीं इसमें ऐड किया है, क्योंकि दक्षिता नहीं खा पाएगी अगर ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो। तो बस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चाय मैंने एक तरफ चढ़ा दी है, और साथ में एक तरफ मैंने पैन रख दिया है चीला बनाने के लिए, और अभी फटाफट से चीला बना लूँगी। वैसे आरुष तो है नहीं अभी, वो गया हुआ था क्रिकेट खेलने के लिए, जाना था उसे सुबह 6 बजे ही, जगाया था मैंने, वो नहीं जगा, मैं तो जग ही गई थी, लेकिन वही बस दोबारा जब एक बार आँख लग जाती है ना, और पता रहता है कि हाँ छुट्टी है, तो और मन निश्चिंत हो जाता है, तो इस वजह से और आज हो गया था लेट। तो खैर, फिर भी सारे काम जो है टाइम पर हो ही गए थे, मतलब ये था कि रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिला था बॉडी को, बस पूरे दिन सुबह उठने के साथ आज काम में जो लगी ना मैं, शाम को 4 बजे तक लगातार मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा थक गई थी आज तो। तो खैर, अभी देखिए यहाँ पे चाय भी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और साथ में चीला भी मैं बना रही हूँ, और बस बनाते जाऊँगी और साथ के साथ देते जाऊँगी। आरुष तो करीब करीब 11 बजे आएगा, और अभी टाइम हो रहा था अराउंड 9:30 ऐसे कुछ हो रहा था, तो क्योंकि उठने के बाद तो मैंने पहले जो बाकी के थोड़े बहुत जो काम थे वो सब किए थे। और यहाँ पे देखिए चीले के ऊपर से मैंने क्या किया था ना, चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड किया था, मतलब स्प्रिंकल कर दिया था उस पर, और इसको मैं देसी घी से सेक रही थी, रिफाइंड ऑयल नहीं लगा रही थी। और आप चाहो तो इसको डाइट में भी खा सकते हो अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हो तो, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला नाश्ता होता है, बहुत ही हेल्दी होता है ऑप्शन। तो बस आज यही नाश्ता मेरे यहाँ पे था, और साथ में थी गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ पे देखिए बन चुका था 2-3 चीला, तो मैंने हस्बैंड के लिए और दक्षिता के लिए, इन दोनों लोग के लिए निकाल दिया था, और इसके साथ खाने के लिए केचप दिया था मैंने, क्योंकि ना चटनी मेरे घर में जल्दी किसी को पसंद नहीं आती है, तो इस वजह से चटनी, मतलब ये होता है ना अगर पीस दो ना तो एक ही दिन जो खाएगा खाएगा बंदा, बाकी का फेंकना पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं चटनी नहीं पीसती हूँ मोस्टली, आपने देखा ही होगा व्लॉग्स में चटनी मेरे यहाँ बहुत ही कम बनती है। तो बस यहाँ देखिए हस्बैंड को देने के बाद से मैं चली गई थी नहाने, साथ में दक्षिता को भी मैंने दे दिया था, मैं नहा करके आ भी गई, खाने भी लगी, और ये अभी तक खा ही रही थी, इतना धीरे खाती है,
तो बस नाश्ता करने के बाद कपड़े धुल गए थे, सूख भी गए थे बीच बीच में, मतलब काम छोड़ छोड़ करके ये सारे काम भी करते रहो तो ठीक रहता है। तो खंगाल दिए थे मैंने और एक स्लॉट सूखने का लगा करके तब मैं गई थी नाश्ता करने के लिए, और जब तक मैंने नाश्ता किया तब तक एक स्लॉट सूख गया था, तो दूसरे वाला मैंने लगा दिया था सूखने के लिए। और फटाफट से, बहुत ज़्यादा बर्तन तो आज नहीं थे, थोड़े ही थे। जैसे डेली क्या होता है ना, सब्जी बनाओ या फिर राइस बनाओ तो कढ़ाई कुकर सब कुछ निकल जाता है, तो आज ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉनस्टिक पैन एक निकला था बनाने के नाम पे, बाकी सारे वही थे खाने वाले बर्तन। तो बर्तन थोड़े से ही थे तो मैंने सोचा इसको साथ के साथ धो भी लेती हूँ लगे हाथ, नहीं तो छोड़ दो और किसी का और काम में लग जाओ ना तो ये पड़े के पड़े रह जाते हैं। और ख़ासकर छुट्टी वाले दिन तो ऐसा हो ही जाता है कि एक काम छोड़ करके सोचो कुछ और कर लो, इसको बाद में करेंगे, तो वो लटका ही रह जाता है फिर। तो इससे अच्छा ये है कि टालने से अच्छा है उस काम को करना है तो करके अपना हटाओ, अपना भी टेंशन दूर हो जाता है और काम भी हो जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए बर्तन धुल गए हैं सारे और बस अब किचन को कर लूँगी क्लीन। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था लेकिन एक बार थोड़ा सा पोंछ दो तो और अच्छे से साफ़ हो जाता है, क्योंकि कुछ भी कुकिंग वगैरह करो थोड़ा बहुत तो गिरता ही है, तो उसको भी एक बार मैंने अच्छे से पोंछ दिया, साफ़ कर दिया। बहुत ज़्यादा आज डीप क्लीनिंग किचन की नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल कपड़े से पोंछ रही हूँ, क्योंकि बाकी का जो है पूरा घर वो आज थोड़ा सा क्लीनिंग करना है मुझे, तो इसलिए मैंने सोचा किचन का काम निपटा लेती हूँ ताकि टेंशन फ्री हो करके तब अपना काम जो है बाकी का घर का वो करूँगी। और आज छुट्टी भी है तो बस किचन में जो है दोपहर का खाना तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब बनेगा तब बनेगा। और किचन साफ़ रहता है तो ये रहता है ना कि जब भी जो भी करना है आकर के बस कर लो, मतलब ये नहीं है कि बर्तन पड़े हैं सिंक में या गंदा है तो पहले उसकी क्लीनिंग करो। तो ये सारी चीज़ें करके देखिए मैं आ गई थी छत पर कपड़े फैलाने के लिए, और छत पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो इस वजह से स्टैंड आज लेकर के आई थी छत पे कि इसी पर डाल दूं, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दो ना टब में तो वो थोड़ी सी स्मेल सी आने लग जाती है, तो इस वजह से स्टैंड लेकर के आई, इसी पे कुछ कपड़े डाल दिए थे मैंने, और जो दो चार बड़े थे वो इधर उधर जगह बना करके डाल दिया था मैंने जो तार बंधे होते हैं उस पर। तो बस अभी देखिए नीचे आते ही जो सबसे बड़ा आज मेरा काम था ये था तीनों फ़ैन जो है साफ़ करना, क्योंकि ना ये दीपावली का ही साफ़ किया था मैंने, उसके बाद से नहीं कर पाई थी। होता क्या है ना कि कोई हेल्प नहीं मिल पाती है सबसे बड़ी बात, तो इस वजह से। और ये सारी चीज़ें ये रहता है ना, अकेले करने में भी डर लगता है क्योंकि कहीं गिर पड़ गए अगर तो हो जाएगी एक और नई मुसीबत, तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ती हैं मुझे भी। तो आज सब लोग घर पे थे तो ये था कि अगर गिर भी गई इन केस तो सब लोग रहेंगे ना कम से कम, तो मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है। तो बस अभी देखिए आ गई हूँ, हॉल का फ़ैन तो मैंने साफ़ कर दिया है, और रूम का पहले मैंने मैट्रेस हटा दिया था बेड पर से, क्योंकि ना वाइट कलर का है वो कितना भी कर लो डस्ट आ जाता है इस वजह से। और इसी वजह से मैं कुछ दिन से बेडशीट चेंज करनी थी लेकिन मैंने नहीं किया था इसी वजह से कि पंखे वगैरह साफ़ करने हैं। तो अभी देखिए मैट्रेस जो है मैंने उसी चादर से ढक दिया था ताकि गंदा ना हो, और साथ के साथ जाले वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। और इसके अलावा ये ना ये जो लाफ्ट वगैरह है इसको भी मैंने एक बार झाड़ू से साफ़ किया था, लेकिन कुछ कुछ क्लिप्स जो हैं मिस हो गई हैं और कुछ कुछ जो कैप्चर हुई हैं वही बस इंक्लूड किया है मैंने। तो खैर अभी देखिए यहाँ पे हॉल को भी मैंने जाले साफ़ कर दिए हैं, और बीच में मैंने ना दाल भी चढ़ा दी थी इन सब कामों से ब्रेक ले करके। ये हुआ कि पहले मैंने पूछा क्या बनाना है खाना, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आज मेरे पास भी सोचने समझने का टाइम नहीं था, तो मैंने भी क्या किया चावल दाल और आलू भुजिया सोचा था, तो दाल मैंने चढ़ा दी थी, चावल धो के रख दिया था, और बीच बीच में ये सारे काम भी अपने निपटा रही थी। तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा निकला था पंखे में से, तो मैंने ना क्या किया था कपड़ा भिगा करके उसको निचोड़ करके बहुत अच्छे से सारा कुछ पोंछ दिया था, और जब तक ये सब मैंने किया तब तक दाल ठंडी हो गई थी। तो दाल में मैंने लगाया सिंपल वाला तड़का, वही जीरा लाल मिर्च लहसुन और साथ में हींग, इसका तड़का लगा करके उसी कुकर को धो करके और साथ के साथ मैंने चावल रख दिया, और ना पानी भी ख़त्म हो गया था तो इस वजह से जो भी काम था फ़िल्टर के पानी से ही करना पड़ा था। कुछ एक काम तो जो है ये आलू धोना या कुकर धोना ये सब फ़िल्टर के पानी से करना पड़ा था, और बाकी के जो थोड़े मोड़े बर्तन आपको दिख रहे होंगे वो इसीलिए रखे हुए हैं क्योंकि पानी था ही नहीं। तो मैंने सोचा चलो खाना वगैरह बना लेते हैं, जब पानी आएगा तब बर्तन धोएंगे। तो बस देखिए चावल भी हो गया था, सीटी लग गई थी जब तक मैंने आलू को कट किया था तब तक सीटी लग गई थी, तो मैंने आलू भुजिया बना दिया फटाफट से। और सब्ज़ी ये जो थी ना बस नमक हल्दी पाउडर मिर्ची पाउडर डाल के मैंने बनाया था,
और साथ के वही मतलब खड़े खड़े बनाया था क्योंकि उसको भूनते हुए बनाना था, ढक करके नहीं मैं बनाती हूँ क्योंकि आजकल का आलू ऐसा आ रहा है ना, वो अजीब सा चिपक जा रहा है अगर ढक करके बनाओ तो। अगर ऐसी भुजिया बनानी है तो उसको खोल करके ही मैं बना रही हूँ। और बस खाना बन के हो गया था तैयार, लेकिन अभी किसी को खाना नहीं था तो फिर से मैं आ गई दूसरे वाले रूम में। इस रूम का भी मैंने फ़ैन क्लीन किया, सारे लाफ्ट को अच्छे से झाड़ू से झाड़ दिया, जाले को साफ़ किया, और साथ में ये हो गया था ना मतलब इस कमरे का सामान उस कमरे में, उस कमरे का सामान इस कमरे में, ऐसे कर करके करना पड़ा था क्योंकि सामान तो इधर उधर हो ही जाता है। तो इसमें भी देखिए सफाई होने के बाद मैंने इस बेड को भी कपड़ा भिगो करके अच्छे से पोंछ दिया है। और अभी तक करीब करीब 2 बज चुके थे और अब सबको भूख लगी थी तो मैंने निकाला सबके लिए खाना, और साथ के साथ ना ऑमलेट भी एक तरफ बन रहा है क्योंकि सबको मन था ऑमलेट भी खाने का, मतलब चावल दाल भुजिया और साथ में एक एक अंडे का ऑमलेट, तो एक तरफ वो बन रहा है और एक तरफ खाना भी मैंने निकाल दिया है सबका, तो एक एक करके सबको अभी दे दूँगी और साथ में खुद भी खाऊँगी आज, क्योंकि आज मुझे भी भूख लग गई है। होता है ना काम वाम ज़्यादा करो तो भूख लगती है खुल के। तो ये तो अभी हस्बैंड की प्लेट है, इसके बाद से हम लोगों ने भी खाया था खाना, और बस खाना खाने के बाद से फिर से लग गई थी कामों में। और ये देखिए उस रूम का सारा जो है भंडार यहाँ पे ऐसे मैंने अभी लगा रखा है, लेकिन पहले ये था ना पहले पोछा लगा लूँ तब चादर बिछाऊंगी, क्योंकि फिर ना कितना भी कर लो अगर डस्टिंग वगैरह करो अच्छे से घर की, मतलब जाले साफ़ करो पंखे वगैरह, तो वो फर्श पे गंदा गंदा सा फील होता ही है। तो मैंने सोचा पहले पोछा लगा देती हूँ तब चादर वगैरह बिछाऊंगी, क्योंकि होता क्या है ना अकेले रहो तो ये रहता है मतलब कि कोई चढ़ेगा नहीं बिस्तर पे या फिर गंदा नहीं होगा, इन बच्चे लोग रहते हैं ना तो कहाँ तक कोई मना करे, इन लोगों का धमा चौकड़ी मचता ही रहता है। तो इस वजह से मैंने मतलब इस तरह से उल्टे पुल्टे आज मेरे काम हो रहे थे। तो बस अभी देखिए पोछा लगाने के बाद हमने खाई आइसक्रीम, हालांकि मौसम यहाँ पे अजीबोगरीब चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप, लेकिन फिर भी आज सबका मन था आइसक्रीम खाने का। तो आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ पे मैंने इस वाले रूम को पहले सही किया कि मतलब छत पे से कपड़े भी लाने थे क्योंकि बादल लग रहे थे थोड़े थोड़े से, तो एक दो बार धोखा खा चुकी हूँ, अभी नहीं खाना है। मतलब बिल्कुल अचानक से बारिश आती है यहाँ पे, पहले धीरे धीरे बूंदें नहीं पड़ती हैं, डायरेक्ट मोटी मोटी बड़ी बड़ी बूंदें पड़ती हैं और वो टाइम ही नहीं मिलता है कि जा कर के कपड़े ले आओ। तो बस देखिए वो वाला रूम सही करने के बाद आ गई हूँ छत पर कपड़े लेने के लिए, और कुछ एक कपड़े बस तार पे डाले थे मैंने और बाकी के यहीं स्टैंड पर ही आ गए थे तो स्टैंड पर डाल दिए थे। और सब लोगों ने अपने कपड़े हटा भी लिए हैं क्योंकि बादल बहुत घने लगे थे, अभी तो उतने लग नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हैं थोड़े बहुत, तो यही इसी में समझदारी है कि उतार के ले चलते हैं। तो बस कपड़े ला करके अभी मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, अभी फोल्ड नहीं किए हैं, बाद में करूँगी। और इस वाले रूम को बस अब कर रही हूँ सही। और एक और मुसीबत क्या हो गई है ना, मेरा ट्राईपॉड हो गया है ख़राब, मतलब उसका जो नट होता है वो लूज़ हो गया है, तो अपने आप मतलब ना सरक जाता है ट्राईपॉड का जो स्टैंड है वो अपने आप सरक के कहीं और ही चला जाता है मेरा फ़ोन, तो इस वजह से ना और इधर से उधर से करके शूट करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है मेरे फ़ोन में कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, मतलब कभी बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, कभी बिल्कुल लाइट अजीब सा ही हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाती है। तो बस जो भी है इसी में काम चल रहा है किसी तरह। तो बस देखिए ये वाला भी रूम हो गया है साथ के साथ सही। तकिए में कवर लगाना बाकी है और वो जो पीछे हैं सारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं जिसको मैंने थैले में भर दिया है, बाद में उसको रखूँगी। और बस अभी चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग में इतना ही, इधर ही एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।